हेलो एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज मैं एक टॉपिक भी डिस्कस करूंगी और साथ में एक इम्पॉटेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको भी डिस्कस करूंगी तो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा और हमें जो ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में तो उसके पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिया है इस बुक इस ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बुकलेट है तो इसमें से मैंने एक क्वेश्चन निकाला और जिसमें मैंने फाइंड आउट किया कि पब्लिक ओपिनियन से एक क्वेश्चन जो हर ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी तो इसी क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे तो मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे फिर हम एक्चुअल लेक्चर शुरू करेंगे तो अब पब्लिक ओपिनियन का जो जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ब्रेक करो मल्टीपल पार्ट्स पे राइट right? देखो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी तो मुझे इसमें तीन कीवर्ड्स मिल रहे हैं एक तो पब्लिक ओपिनियन राइट देन डेमोक्रेसी और एक पूछा है कि इसकी इम्पोर्टेंस, पूछा क्या है इम्पोर्टेंस तो मेज़र हमें जो हमारा जो आंसर राइटिंग होगा हम इंट्रोडक्शन देन बॉडी पार्ट देन कंक्लूजन तीन मेजर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन दो को अलग रहने देते हैं अभी बॉडी पार्ट की बात करते हैं जो मेन मेजर पोर्शन होते हैं हमारे आंसर का तो उसमें मेज़र जो पोर्शन रहेगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन ओके अब इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे कुछ हम आ, एक जब हम पब्लिक ओपिनियन को डिफाइन करेंगे ना स्टार्टिंग में कि व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन देन इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट इम्पॉर्टेंस लिखना शुरू कर देंगे ना थोड़ा बहुत तो आप बताओगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन राइट तो आप उसमें फैक्टर्स एंड ऑल जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लिख सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द पब्लिक ओपिनियन और कुछ बैकग्राउंड समझ समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक ओपिनियन का जो हिस्ट्री है वो कैसे रहा है देन इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन में पूछा गया है देन व्हाट आर सेवरल एजेंसीज़ जिसके थ्रू पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है देन वाट आर दी फैक्टर्स जो पब्लिक ओपिनियन को इम्पैक्ट करते हैं तो आप बोलोगे कि मैम क्या इतनी सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है तो लिखनी है बट बहुत नहीं कि चार चार पैराग्राफ में सिर्फ आप यही लिख रहे हो हमारा मेजर पोर्शन जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑन पब्लिक ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी रहना चाहिए बट हाँ छोटे छोटे कुछ दो चार लाइंस में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दोगे तो आपका जो आंसर है वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा और वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपके आंसर में गेटिंग इट तो अभी डिले नहीं करते हैं चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो उसके पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज आपसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक मेरा सेकंड ऑल्टरनेटिव चैनल है प्लीज़ गो देयर एंड सब्सक्राइब दैट चैनल शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर दी सपोर्ट सो जब ओपिनियन की बात आती है ना गाइस पब्लिक ओपिनियन अब इसमें भी दो टर्म है एक पब्लिक और एक ओपिनियन तो ओपिनियन का सिंपल मीनिंग क्या होता है व्यूज़ आपका व्यू क्या है जैसे व्हाट डू यू थिंक राइट क्या होता है वट डू यू थिंक मतलब आपका ओपिनियन क्या है आप क्या सोचते हो इसके बारे में तो मैं अगर डेली लाइफ से एग्जाम्पल हम लोग लें ये तो खैर हम पोलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी में पढ़ रहे हैं पर अगर हम डे टू डे लाइफ में भी तो हम कितने सारे ओपिनियन शेयर करते हैं राइट जैसे कि हम गर्ल्स पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रेस राइट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मेकअप दिस हेयर स्टाइल ऐसे होते हैं ना कि हम डे टू डे लाइफ में पूछे अरे क्या ओपिनियन है तुम्हारा इस ड्रेस के बारे में कैसा लगेगा आम बॉयज बॉयज़ किस बारे में बात करते हैं डो कॉमेंट बिलो कि आपकी डेली लाइफ में कॉमन uh, चीज़ क्या है जो ज़्यादातर लड़के ओपिनियन मांगते हैं हेयर स्टाइल ड्रेस आई डोंट नो मुझे कमेंट करना है कि आप बॉयज़ डेली लाइफ की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन होती है जिसपे आप ओपिनियन मांगते हैं मांगते हैं जैसे हम गर्ल्स तो हो गया कि ड्रेस के बारे में बहुत ही कॉमन है सभी कोई ओपिनियन मांगता है राइट right? तो ओपिनियन uh, जो व्यूज़ है जो बिलीफ है एटीट्यूड है एक फोर्स के तरीके काम करता है जो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को और जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन चीज़ है जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन सबसे ज़्यादा काम करता है वो है इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम आप देखोगे कि किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट किया जाता है राइट right? जैसे कि अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी पे करप्शन के चार्जेस लगाएगी उसको डिफेम करेंगे बहुत सारे तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं आइडियाज़ और ओपिनियन तो ये ओपिनियन मतलब व्यूज़ हो गया कि आप पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या सोचते हो क्या राय रखते हो क्या ओपिनियन रखते हो सो वॉट डू यू थिंक इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस इशू अभी कैसे पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड है नो अदर एरियाज़ में जैसे फैशन क्या ट्रेंड चल रहा है ना पॉपुलर कल्चर जैसे वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर की हम बात करते हैं राइट तो इस तरीके से ये ओपिनियन चलता है तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपका अब हम एक्चुअल शुरू करते हैं जो आप अपने एग्जाम्स में लिखेंगे पॉइंट्स पर लिखेंगे तो पब्लिक ओपिनियन अगर लैटिन कंसेप्ट में देखा जाए तो ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक ओपिनियन अभी रिसेंट ओ है नो इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं वॉइस ऑफ द पीपल ही तो जो सिटीजन्स हैं जो पीपल हैं उस किसी नेशन के किसी कंट्री के उनका ओपिनियन अपनी वॉइस के थ्रू ही तो रिप्रेजेंट करेंगे राइट कम्युनिकेट करेंगे तो ओपिनियन जनरली क्या होता है एक व्यू है जो हेल्ड किया जाता है बाय ऑल बाई ऑल का मतलब हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल और जो ये व्यू होगा जो ये ओपिनियन होगा उसमें मेजर थीम क्या रहेगी वेलफेयर ऑफ द ऑल पीपल ओके तो नेक्स्ट डेफिनेशन हो सकती है पब्लिक ओपिनियन की इट इज़ अ कलेक्टिव इवेल्यूशन जो पीपल एक्सप्रेस करते हैं ऑन दी वेरियस इश्यूज पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स राइट तो अब ये इश्यूज किससे रिलेटेड रहेंगे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोई भी इशू हो सकता है ना तो इसके बारे में जो कलेक्टिव इवेलुएशन प्रेजेंट किया जाता है एक्सप्रेस किया जाता है लोगों के द्वारा उसे पब्लिक ओपिनियन कहते हैं अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो जैसे अभी नीति आयोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है है ना अभी मतलब न्यूली सेटअप बॉडी है तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को आया तो जनरली ओपिनियन पूछे जाते हैं ना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नीति आयोग कैसे ये डिफरेंट है प्लानिंग uh, कमीशन से राइट right? इस तरीके की चीज़ें होती हैं या तो और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जैसे प्रेजेंट में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है तो आप क्या सोचते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इसे कैसे रिजोल्व कर सकता है राइट तो ये सारे वो इश्यूज हैं जो कॉमन पीपल से रिलेटेड हैं और सबके सबका वेलफेयर होना चाहिए इन सारे इश्यूज़ पर नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हो कि पब्लिक ओपिनियन क्या है सिंथेसिस ऑफ द व्यूज ऑफ ऑल या सर्टेन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी मतलब एक जनरल ओपिनियन जनरल व्यूज़ जो ऑलमोस्ट उस सोसाइटी के लोग उसको रख रहे हैं ओके देन कलेक्टिव आइडिया इसे आप कह सकते हो कलेक्टिव आइडिया कि मतलब जितने लोग हैं सोसाइटी में ऑलमोस्ट उनका यही कॉमन ओपिनियन है इस इशू के बारे में या पॉलिसी या इंस्टीट्यूशन या लोगों के बारे में जो भी है राइट right? तो पब्लिक ओपिनियन को ये दो तीन स्टेटमेंट का यूज़ करके आप डिफाइन कर सकते हो फिर एक स्कॉलर हैं लॉर्ड ब्राइस इनके अकॉर्डिंग जो ये आ, थ्री तीन तरीके के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं किस में फॉर्मुलेशन एक्सप्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन तो पब्लिक ओपिनियन का पहले फॉर्मुलेशन होगा पब्लिक ओपिनियन बनाया जाएगा फिर हम उसे एक्सप्रेस करेंगे मतलब कम्युनिकेट करेंगे और फिर उसको प्रमोट करेंगे मतलब वायरल करेंगे कहें इसको तो इस तरीके से चीज़ें तो इसमें तीन तरीके के लोग शामिल होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राइस पहले वो जो पब्लिक ओपिनियन को बनाते हैं मतलब स्टिमुलेट करते हैं जिस कि इस मुद्दे इस इशू पे लोग बात करें एक ओपिनियन व्यूज़ बनाएं अपना ओके देन एक्टिव एक्टर्स देन वो नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी के लोग कौन होते हैं जो जो उस ओपिनियन को स्प्रेड करते हैं ओके okay. जैसे हम कहते हैं कि उसको स्प्रेड करना उसे प्रमोट करना राइट right? इस तरीके का तो फॉर्मुलेशन एक्सप्रेशन एंड प्रमोशन के लिए तीन तरीके के लोग होते हैं थ्री कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो पब्लिक ओपिनियन के बारे में बेसिक समझ में आया आपको कि क्या है नेक्स्ट देखें बैकग्राउंड समझते हैं थोड़ा सा जैसे हमने देखा कि पब्लिक ओपिनियन कोई न्यू कॉन्सेप्ट तो है नहीं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था कभी कम कभी ज़्यादा तो जब क्लासिकल डेमोक्रेसी एथेंस की बात करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि वहां पर हर चीज़ पीपल्स पे डिपेंड थी अब एथेंस में डेमोक्रेसी थी तो बट ऑबियस है अब कम पॉपुलेशन होगी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लगभग होती है तो सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती थी पीपल्स में मतलब पीपल्स के ओपिनियन पीपल्स की जो राय होती थी उस पर डिपेंड करती थी देन इसके अपोजिट जब प्लेटो आते हैं तो प्लेटो ने पब्लिक ओपिनियन पर को कम वैल्यू दी क्योंकि प्लेटो ने क्या है ना डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया प्लेटो ने के लिए आइडियल रूल या पॉलिटिकल सिस्टम क्या था जहाँ पर फिलोसोफर किंग रूल करेगा अगर आपने थोड़ा बहुत प्लेटो का आइडिया हो तो प्लेटो एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं जिन्होंने ये कहा कि रूल किसका होना चाहिए फिलोसोफर किंग का क्योंकि वो नॉलेजेबल है उसमें विजडम है ओके okay? जनरली प्लेटो ने जो पीपल्स हैं उनको थ्री कैटेगरी में बांटा था एक फिलोसोफर किंग एक सोल्जर क्लास और एक जो थी आपकी वर्किंग क्लास जो जो जिस पे डोमिनेट करता था ओके okay? तो फिलोसोफर किंग का रूल होगा तो यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन का तो फिर रोल ही नहीं रहा गेटिंग इट नेक्स्ट एरेस्टोटल आते हैं तो एरेस्टोटल ने तो ये स्टेटमेंट दी कि जिससे मतलब जिस राजा को लोगों का कम सपोर्ट मिलता है या लोगों का सपोर्ट कम हो जाता है जिस राजा के लिए वो राजा नहीं रहता मतलब वो किंग नहीं रहेगा एनी मोर अगर जिसके लिए सपोर्ट कम हो गया पर ये भी ध्यान रखना है कि एरस्टोटल ने सिटीजन सिटीजनशिप या स्टेट अफेयर में पार्टिसिपेट करने का जो राइट था वो बहुत ही कम लोगों को दिया था जिन्हें हम कह देते हैं फ्री एडल्ट मेल सिटीजन्स जिनके पास प्रॉपर्टी थी आप जब एरेस्टोटल की सिटीजनशिप पढ़ेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि एरेस्टोटल ने बहुत ही थोड़े लोग थे जिनको ये राइट दिया था कि वो स्टेट के मैटर में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और उन्हें एरिस्टोटल ने सिटीजन्स कहा था जैसे वुमेन को इससे बाहर रखा था चिल्ड्रंस को बाहर रखा था सीनियर सिटीजन्स को बाहर रखा था डिस जो डिसेबल पीपल्स थे उनको भी बाहर रखा था स्लेव्स को बाहर रखा था तो हालांकि एरिस्टोटल ने इस चीज़ को वैल्यू दिया था कि पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए बट वो बहुत ही लिमिटेड लोग थे बहुत ही सिलेक्टेड पीपल्स थे ये ध्यान रखना है देन मिडिल एज आता है तो मिडिल एज में आप देखोगे कि रिलीजन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे इनका काफ़ी बड़ा रोल होता था पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करने में देन मॉडर्न टाइम पे आप देखोगे कि मैकेवेली ने धीरे धीरे जब आ, मैकेवली में एक चीज़ आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं ये भी तो इसमें पढ़ेंगे कि मैकेवेली ने बहुत सारे सजेशन्स दिए हैं अपने प्रिंस को जो रूल कर रहे हैं कि कैसे रूल किया जा सकता है कैसे इफ़ेक्टिवली रूल किया मतलब रूल किया जा सकता है राइट तो इसमें एक सजेशन ये भी देते हैं कि जो प्रिंस है ना उसको पब्लिक ओपिनियन के बहुत आ, को बहुत ध्यान देना चाहिए कि, कि किस तरीके का पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट हो रहा है किस तरीके का पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर हो रहा है ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके देन आप अमेरिकन रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन फर्दर आप जो पब्लिक ओपिनियन है इसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो इस तरीके को देखोगे कि अभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पब्लिक ओपिनियन की काफ़ी इम्पॉर्टेंस है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये एक बैकग्राउंड है कि पब्लिक ओपिनियन की क्या जर्नी रही है देन इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी जो मेजर सेगमेंट है हमारे क्वेश्चन का तो डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी की बेसिक मीनिंग क्या होती है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है फंडामेंटल राइट्स रहता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अब आ, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी के थ्रू तो इंडिविजुअल्स अपने व्यूज़ को शेयर कर पाएंगे एक्सप्रेस कर पाएंगे राइट right? अगर फॉर एग्जांपल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है और आपको बोलने का कोई हक नहीं है तो आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो ना अगर आपने अपना ओपिनियन दिया और गवर्नमेंट को या जो रूल कर रहा है रूलर को अच्छा नहीं लगा तो हो सकता है आपको फांसी भी चढ़ा दें तो मोनार्की uh, सिस्टम में क्वाइट पॉसिबल ना बट अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक uh, कह सकते हो बेड रॉक है डेमोक्रेसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स को राइट टू बी हर्ड होता है मतलब जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इनको सुनेंगे इनके व्यूज़ को राइट जो सिटीजन्स होंगे जो पीपल्स होंगे तो डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है क्यों पहला तो पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज अ चेक ऑन लीडरशिप सी अगर लीडर जो लीडरशिप है वो सही कर रही है गलत कर रही है ये भी पब्लिक ओपिनियन से चेक होता है अगर पब्लिक ओपिनियन पॉजिटिव है सपोर्टिव है लीडरशिप के लिए रूलर के लिए तो इट मीन्स दैट हाइट्स जो थिंग्स हैं वो सही जा रही हैं अगर पब्लिक ओपिनियन में रहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है अनरेस्ट हो रहा है सोसाइटी में तो इस तरीके से क्या होगा लीडरशिप पे आप चेक रख सकते हो कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है देन जो पब्लिक uh, ओपिनियन है एक पब्लिक पल्स की तरह काम करता है जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग आता है और वो डिसीज़न मेकिंग जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेट किए जाते हैं पॉलिसी के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसके लिए इनपुट का काम करता है देन जो पॉलिसीज़ होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं पब्लिक ओपिनियन पे। ओके नेक्स्ट पब्लिक ओपिनियन इज़ द रियल सेंक्शन बिहाइंड ऑल दी लॉज तो आपको पता है कि जिस तरीके का पब्लिक ओपिनियन सोसाइटी में होगा कि अब पब्लिक ओपिनियन किसी इशू के बारे में होता है ना किसी मुद्दे के बारे में होगा जैसे कि एजुकेशन हेल्थ अब कोविड 19 का एग्जाम्पल आप इसमें यूज़ कर सकते हो कि कोविड 19 के टाइम पे जो वेलनेस है से इस पर काफ़ी फ़ोकस किया गया और हेल्थ सेगमेंट में फ़ोकस किया गया इस एक पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट हुआ कि नहीं कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो गवर्नमेंट ने हेल्थ के रिगार्डिंग कई सारी पॉलिसीज़ बनाई आप देखोगे राइट तो हेल्थ सेगमेंट में ध्यान देना गवर्नमेंट ने शुरू किया तो जो इस तरीके के लॉज़ बनेंगे उस पर गवर्नमेंट का क्या रहता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहेंगी तो पब्लिक ओपिनियन उनको इनपुट प्रोवाइड करता है जैसे एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन राइट डिजिटल एजुकेशन तो आप गवर्नमेंट देखोगे कि इसके लिए इनिशिएटिव लाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप इग्ज़ाम्पल दे सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आज की डिमांड है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की तो उसको टैकल किया है एड्रेस किया है ओके इसके बाद से आ, फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो कि जो सवरानिटी ऑफ द पीपल है जो पब्लिक ओपिनियन है क्या रिफ्लेक्ट करता है सवरानिटी ऑफ़ द पीपल मतलब विल ऑफ़ द पीपल और जो डेमोक्रेसी का बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट्स होता है पीपल सवरानिटी मतलब सुप्रीम पावर किसके पास होती है पीपल्स के पास होती है और जब पीपल्स अपना ओपिनियंस देते हैं और उस ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होकर इनपुट लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो ये पूरी प्रोसेस में हम क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेट पावर या सुप्रीम पावर किसके पास है लोगों के पास है तो डेमोक्रेसी में पीपल्स सवरानिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पर लोग सुपीरियर हैं क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है ना इलेक्शन करके तो लोगों के जो व्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एड्रेस करना पड़ेगा देन गवर्नमेंट कैन रिमेन इन पावर जब तक पब्लिक ओपिनियन बैग्ड कर रही है उस गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल पीपल्स को ठीक नहीं लग रही तो पीपल्स अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे वेरियस थ्रू प्लेटफॉर्म्स अभी हम देखेंगे कि क्या क्या एजेंसीज हैं पब्लिक ओपिनियन की तो वहाँ पर आप देखोगे कि आप जब ओपिनियन देंगे तो धीरे धीरे फिर वो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है तो अगर गवर्नमेंट इग्नोर करती है जो पब्लिक ओपिनियन है तो ये किस कॉस्ट पे कर सकती है या तो रिबेलियन होगा या रेसिस्टेंस होगा गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी राइट तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो हमने इतने जो ये इम्पॉटेंट पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए इससे ये पता चल रहा है कि पब्लिक ओपिनियन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में अभी हम इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक ओपिनियन में सब अच्छा अच्छा ही है तो ये जो हमने देखा पब्लिक ओपिनियन इसको वेरियस एजेंसीज़ के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है व्हाट आर दीज एजेंसीज़ जैसे कि प्रेस लेजिस्लेचर या पब्लिक मीटिंग्स जो डिबेट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू रेडियो टीवी इंटरनेट सोशल मीडिया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ये सारे वेरियस एजेंसीज़ हैं जिसके थ्रू पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है या गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है ओके देन फैक्टर्स क्या हैं जो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके व्यूज़ को शेप करते हैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था ना और डे टू हमारी जो डे टू डे लाइफ का था जब जिसमें हम अपने पीयर uh, ग्रुप जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है हम व्यूज़ मांगते हैं तो हमारे जो व्यूज़ होते हैं आप देखो बहुत सारे फैक्टर्स uh, से इन्फ्लुएंस होते हैं यही सेम होता है पब्लिक ओपिनियन पे जब हम पॉलिटिक्स के कंसर्न में बात कर रहे होते हैं तो सोशल इन्वॉमेंट कैसा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मोलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन कि हम किस तरीके की फैमिली फ़्रेंड्स हमारा नेबरहुड कैसा है हमारा प्लेस ऑफ वर्क कैसा है रिलीजियस कम्युनिटी से हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं होते हैं ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं ओके okay, नेक्स्ट होते हैं मास मीडिया सोशल मीडिया अब सोशल मीडिया मास मीडिया से हम किस तरीके की इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं ले रहे हैं क्या चीज़ें देख रहे हैं उससे भी हमारा ओपिनियन फॉर्मुलेट होता है फॉर एग्जांपल हमने सोशल मीडिया में किसी मुद्दे के बारे में जैसे चला जैसे कि बहुत सारा गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ रहा है तो हमें लगेगा ना नहीं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट करप्ट है देखो कितने सारे करप्शन uh, के केसेज आ रहे हैं ओके okay, ये चीज़ें हो गई देन इंटरेस्ट ग्रुप जैसे सिविल सोसाइटीज़ एन हो गए या जो लेबर यूनियंस हो गए जैसे लेबर यूनियंस जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं प्रमोट करते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो वेजेस बहुत कम दे रही है सैलरीज बहुत कम दे रही है या जो 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 फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम दे रही है तो वो क्या करेंगे उस अप, एक व्यूज एक पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सप्रेस करेंगे उसे हो सकता है कि उनके फेवर में पॉलिसीज बन जाएँ और भी बहुत सारे चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि एजुकेशन देखो सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है एजुकेशन ऑफ द जनरल पब्लिक आप जैसे जैसे लिटरेट होते जाते हो एजुकेश होते जाते हो आपको इश्यूज़ का आ, जो आइडिया है ना वो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है राइट तो आप अपने राइट्स के लिए ज़्यादा अवेयर होते हो ज़्यादा बेहतर पब्लिक ओपी अपना जो ओपिनियन है वो शेप कर पाते हो नहीं तो लोग फिर नैरो ओपिनियन करेंगे ना फिर वो जो कास्ट है रिलीजन है कम्युनिटी है या या अपने क्षेत्र का है जो इन्हीं सारे मुद्दों से शेप्ड रहें कॉमन गुड कॉमन वेलफेयर के लिए नहीं सोच पाएंगे तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं तो इसका क्रिटिकल इवालुएशन भी थोड़ा सा करोगे हालाँकि उसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है बट दो लाइन मैंशन करते हुए आप कंक्लूड करोगे डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की बहुत बड़ा रोल है बहुत इम्पोर्टेंस है जो हमने ऊपर देखा लेकिन फिर भी जब ये पब्लिक ओपिनियन अपने सेल्फ इंटरेस्ट नैरो इंटरेस्ट या शॉर्ट साइटेड होता है राइट या बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होता है बहुत ही सेल्फिश होता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस भी है खतरा भी पैदा करता है राइट हार्मफुल भी है वेलफेयर ऑफ द कॉमन सोसाइटी राइट तो एक तरीके से ये हर्डल बनेगा टू अचीव द कॉमन गुड तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ये हमारा जो डेमोक्रे जो हमारा पब्लिक ओपिनियन हो ये वेलफेयर ऑफ द पीपल कॉमन गुड से ओरिएंटेड हो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो तो होप्स हो इसकी आपको आइडिया लगा होगा कि वॉट इज़ दी ओपिनियन एंड इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं और जो मेन हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन ये आपको पता चला होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर